गरीब आदमी, मैं ये नहीं कह रही जो सिर्फ सड़कों पे वो वाला गरीब, गरीब वो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, गरीब वो जो अपना वीज़ा नहीं लगवा सकता, जो मिडिल क्लास फैमिली से, सबसे ज़्यादा वो बेचारा चक्कर में फंसेगा। मोदी जी का क्या है, आज यूके कल यूएस है, वो तो अपना चले जाएंगे, वो कहेंगे अरे मित्रों ये क्या हुआ, ठीक है। तो मैं, मेरे अकॉर्डिंग वही देशद्रोही होगा जिसे लगता है कि बंटवारा होना चाहिए। इवन मोदी जी को जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की पड़ी हुई है ना, उन्हें पता ही नहीं है हिंदू बोलते किसे। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। आपको पता है अरब के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोग ना लिटरली मुसलमानों को भी पसंद नहीं करते हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सोचते हैं ये तो सब हिंदुओं के साथ है, ऐसी हम सोचते हैं ये तो सब जाहिल गंवा रहे हैं, हम नहीं पसंद करते पाकिस्तानी, ऐसे पाकिस्तानी हम लोगों को भी पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं से ही नफरत करते, बाकी अदर मुसलमान हमारे भाई, नहीं 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 भाई नहीं, ये गलत बात है, अदर मुसलमान भी हमारे दुश्मन, हिंदुस्तान कटी पाकिस्तान कटी पे, ये चीज़ हम लोगों ने पॉलिटिशियंस के थ्रू अपने माइंड के अंदर सेट कर ली है कि भाई जो पाकिस्तान का है वो बुरा है, जो अफगानिस्तान का है वो बुरा है, यूएसए का है वो बहुत पढ़ा लिखा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंसान जो चीज़ अचीव करता है ना वो अपनी खुद की मेहनत पे अचीव करता है, ठीक है। हिंदू, हाँ मैं ये कह रही थी कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है, हर इंसान हिंदू है, और जो हिंदू जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उपासना करने वाले को हम हिंदू कहते हैं, ईश्वर को मानने वाले को हम हिंदू कहते हैं, वो हिंदू नहीं है एक्चुअल में, वो सनातन धर्मी है। और सच बताऊं, अगर किसी हिंदू को बोल दो कि भाई आप सनातन धर्मी हो तो वो गुस्सा कर जाता है, अरे कश्मीर से पंडितों को मारेंगे एक तुम्हारे, सनातन धर्मी बोल रहे, अरे भाई कुछ गाली थोड़ी दे दी, मैं भी हिंदू, मेरा नाम अल्लूर, मैं भी हिंदू, तुम्हारा नाम कनिका, तुम भी हिंदू, मुझे मेरा नाम अल्लूर है तो मुझे सब मुसलमान कहेंगे, तुम्हारा नाम कनिका है तो तुम सनातन धर्मी हुई ना। सनातन धर्मी वो जो सीधे रास्ते पे चलने वाला, इस्लाम का मतलब वो सीधे रास्ते पे चलने वाला, तो बात तो सेम हो गई। तो ये बंटवारा आया कहाँ से? बंटवारा आया सरकार से, आरएसएस। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो हमारे देश को बंटवाना चाहते हैं, इतना प्यारा सा देश है, और ये नहीं बंट सकता किसी भी कीमत पे। इंशाल्लाह समय, इंशाल्लाह हम लोग किसी कीमत पे अलग नहीं होने वाले, और यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और सब बहुत प्यार से रहते हैं, और हम सब ऐसे ही हमेशा 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 बहुत प्यार से रहेंगे। गवर्नमेंट की बातों में आकर, पॉलिटिक्स की बातों में आकर हम नहीं बंटने वाले, और ना ही हम डिटेंशन कैंप में जाने वाले हैं, और ना ही हम अपने कागज़ दिखाने वाले हैं। हंसने लगे, मैंने कहा लेकिन अपनी लेके जाऊंगी, अभी हम यहीं पर हैं, तो फिर वो हंसने लगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस के ऊपर हायर जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, आरएसएस है, उनका बर्डन, जैसे कि आपने देखा होगा कि पुलिस के साथ काफ़ी सारे लोग आरएसएस के भी थे, जो पुलिस यूनिफॉर्म में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, लाठियां ली हुई थी हाथ में, और वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस इसीलिए दबी हुई है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस इतनी बुरी है, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल, फोटो भी वायरल हो गई, बहुत सारी वीडियो अच्छा अच्छा, अगर वो पुलिस वाला ही है तो वो रेड शर्ट में आया है और उसके लिए वो लीगल है, उसको वो अलाव कि जो मर्जी आप, जो आपका जो मन कर रहा है, आप वो फुटवेयर पहन के आ जाए, आपका जो मन कर रहा है, हाथ में इतने सारे पुलिस वालों के हाथ में बैंड थे, कानों में बालियां थी, ठीक है ना, और वो लफंडर लग रहे थे देखने में, मतलब मैं तो बहुत, चलो ठीक है मैं तो पढ़ी लिखी, मैं एक छोटे से बच्चे को दिखा के पूछूं कि बेटा इन्हें ना, इनमें से आप बताओ आपको कौन से पुलिस वाले लगे, तो वो भी बता देगा कि ये तो पुलिस वाले और ये नहीं है। इंसान का तरीका बता देता है चीज़ों को टैकल करने का। पुलिस का काम यहाँ पे सिर्फ लोगों को मारना थोड़ी है, बच्चों पे सिर्फ लाठी चार्ज करना थोड़ी है, पुलिस का काम है कि जो पीस है वो मेंटेन रहे, एम आई राइट, कि वो कहीं से भी ख़राब नहीं हुए, है ना। कोई लोग जैसे हैं, जो लोग आए हैं बहुत तेज़ गुस्से वाले हैं, तो हम उनको संभाल के रखें, और वो हमसे डर के रहे कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते।
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।